बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, बीजेपी आरोप लगा रही। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राम का अपमान कर रहे हैं। जेडीयू ने भी मंत्री जी के बयान से किनारा कर लिया, जबकि आरजेडी अपने मंत्री के बयान के साथ डटकर खड़ी है। न घट रहा है वार, न ही तकरार, न बयानों का दौर रुक रहा है। रामचरितमानस पर जारी घमासान से बिहार का सियासी ताप बढ़ रहा है। शनिवार को जेडीयू नेताओं ने रामचरितमानस का पाठ किया तो अगले दिन सहरसा में बीजेपी ने इस अभियान को आगे बढ़ा दिया। मकर संक्रांति के मौके पर तमाम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ किया, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साध दिया। हम लोगों का जो हिंदू धर्म में कोई भी शुभ दिन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो रामचरितमानस का पूजा पाठ किया जाता है। हम लोग उसी के तहत किए हैं, कोई विशेष आयोजन नहीं है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो शिक्षा मंत्री के बारे में आपने सवाल किया, भगवान श्री राम उनको भी सद्बुद्धि दे कि रामचरितमानस को समझें, उनका पूजा पाठ करें, तभी उनका भी बैतरणी पार होगा। नहीं तो इधर ही फंसे रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। रामचरितमानस से बड़ा धर्म कोई नहीं है, कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है हिंदू धर्म के लिए। हमला सिर्फ बीजेपी की ओर से नहीं है। जिस ग्रंथ ने भगवान राम के गुणों को घर घर तक पहुँचाया, जिस ग्रंथ से जन जन ने प्रभु राम की महिमा को गाया, जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने उसी ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला बताया, तो ऐसा बयान बिहार में सियासत के महागठबंधन में दरार ले आया। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है, और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए। चरितमानस पर बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का मतलब कुछ और है। जिस चौपाई को लेकर के उन्होंने बात कही है, रामचरितमानस पर और भगवान राम पर तो उन्होंने सवाल ही नहीं खड़े किए हैं। इसको लेकर के बेवजह का इसे तूल दिया जा रहा है और हमारे विरोधियों के झांसे में हमारे सहयोगी भी फंस जा रहे हैं। लेकिन इस हंगामे के बीच ना तो शिक्षा मंत्री झुकने को तैयार है, ना ही उनकी पार्टी आरजेडी को उनके बयान पर एतराज है। यानी रामचरितमानस पर बिहार की सियासत में नया रण छिड़ चुका है। आरजेडी जेडीयू के बीच भी टकराव का नया अध्याय शुरू हो चुका है। हम कह रहे हैं कि एक बात को के बार बोलूं, जिस सत्य को बोला हूं वहां अरा हूं खरा। उधर अपनी ही सरकार में मंत्री के विरोध के बीच उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने जेडीयू में हलचल बढ़ा दी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का ग्राफ घटने की बात कही। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पीच पर खेलना। पार्टी लगातार, पार्टी का आधार जनाधार बढ़ रहा है और पार्टी प्रतिदिन मजबूत हो रही है। समर्पित कार्यकर्ताओं का फौज खड़ा हो रहा है। साफ है कि बिहार की सियासत में जबरदस्त खींचतान है, जिसे लेकर हंगामा तमाम है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, आज तक।